नमस्कार, स्वागत है आपका। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को लेकर जो नीलामी की खबर आ रही है वो निश्चित तौर पर अब उसमें एक नया अपडेट ये है कि जो उनकी जो संपत्तियां स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स ने सामने रखी थी उसमें रत्नागिरी की जो कई प्रॉपर्टीज हैं उसको लेकर के अब नीलामी होगी और ये नीलामी जो है 10 नवंबर को होगी। सबसे बड़ी बात ये कि अब तक ये जो नीलामियां थी ये वर्चुअली नहीं होती थी, यानी ऑनलाइन बिडिंग नहीं होती थी इनको लेकर के, लेकिन कोरोना काल की वजह से अब ये जो बिडिंग है ये ऑनलाइन होंगी। इसको लेकर के आपको ये भी बता दें कि रत्नागिरी वो इलाका है जहां पर दाऊद की काफ़ी ज़्यादा संपत्ति, अगर आप मकान देखें खेत देखें तो वहीं पर हैं, और इसीलिए यहां से अब सरकार, क्योंकि पिछले एक दशक में अगर आप देखें तो कई संपत्तियां ऑलरेडी नीलाम हो चुकी हैं और 10 नवंबर को यानी अब दाऊद की 8 संपत्तियां नीलाम होंगी और इनमें घर तो है ही, साथ ही साथ 7 खेत भी हैं, यानी ये भी एक बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा दाऊद इब्राहिम की। और इसके साथ साथ क्योंकि मुंबई में उनके पिता जो थे वो सिपाही थे और इसीलिए जो परवरिश है वो पूरी की पूरी मुंबई में हुई है, और दो दर्जन से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी है उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा की संख्या, यानी 24 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पिछले एक दशक में ऑलरेडी ऑक्शन टेबल पर उतर चुकी हैं। लेकिन ये दरअसल अपने आप में पहली बार ऐसा होगा कि ये वर्चुअल ऑक्शन होगा कोरोना काल की वजह से। तो इसमें इसके साथ साथ सिर्फ दाऊद की वहाँ पर संपत्ति नहीं है बल्कि उनका एक जो साथी है और इकबाल मिर्ची उसका नाम है, उसकी भी संपत्ति जो है वो नीलाम होगी, क्योंकि 10 नवंबर को ही ये बात सामने निकल कर आई है कि दाऊद के पुराने साथी इकबाल मिर्ची की मुंबई में 2 प्रॉपर्टियां जो हैं वो नीलाम होंगी, यानी दाऊद और दाऊद के साथ साथ उसका साथी इकबाल मिर्ची, उसकी भी प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है। दाऊद की संपत्ति में दाऊद की जो संपत्ति है कि नीलामी कैसे होगी ज़रा उसे भी समझ लीजिए, क्योंकि 2 नवंबर तक इन प्रॉपर्टीज़ का मुआयना कर सकेंगे खरीदने के इच्छुक, मतलब जो भी लोग चाहते हैं कि वो लोग बिडिंग करें वो मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वर्थ इट है। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप बिडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और सपोज़ अगर 100 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी है तो अगर बिडिंग रेट 80 करोड़ से शुरू होता है तो फिर आप जाकर ये तो ज़रूर देखेंगे ना कि अगर मैं 80 करोड़ इस प्रॉपर्टी के दे रहा हूँ तो क्या मुझे 90 करोड़ या 81 करोड़ 82 करोड़ प्रॉफिट में हूँ या नहीं। तो वो चीज़ देखने के लिए मुआयना करने की जो आखिरी तारीख है वो 2 तारीख है। इसके बाद जो एक बात और है कि 6 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि बिडिंग ऑनलाइन हो रही है तो आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मैं भी एक बिडर हूँ, तो बिडर होने के लिए आपको 6 नवंबर तक एप्लीकेशन देनी है, उसी दिन तक ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा नीलामी के लिए ज़रूरी डिपॉजिट। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक बेसिक जो अमाउंट होता है जिसको आपको डिपॉजिट करना होता है बिफोर बिडिंग, कहीं कोई फाउल प्ले ना कर दे, कहीं कोई खरीदने के बाद भाग ना जाए ताकि उसको गलत बिडिंग ना हो जाए, इन सारी चीज़ों की वजह से जो एक फिक्स डिपॉजिट एक अमाउंट होता है तय, जो रकम है वो तय की जाती है और उसे जो है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा 10 नवंबर को ये ई नीलामी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आपने एप्लीकेशन दे दी, आपने मुआयना कर दिया, उसके बाद आपने डिपॉजिट भर दिया, तो आप 10 तारीख को जो है इस नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। अगर आप हाईएस्ट बिडर होंगे तो आप जो है वो उस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शनल केस है जिसमें 10 तारीख को जो रत्नागिरी की प्रॉपर्टी है जिसमें 1 मकान और 7 खेत हैं उनकी नीलामी सरकार करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।